शहर में 20 से 22 मार्च तक C20 सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए शहर में सौंदर्यकरण किया गया, सड़क के दोनों ओर आकर्षक फूल के पौधे पेड़ लगाए गए, तो वहीं सिविल लाइन्स क्षेत्र में सड़क किनारे लगे पेड़ों पर आकर्षक लाइटिंग और लाइट्स लगाए गए हैं, जिसे लगाने के लिए पेड़ों पर एक नहीं दो नहीं बल्कि कई किलो का इस्तेमाल किया गया है, जो महाराष्ट्र वृक्ष संरक्षण कानून के तहत एक जुर्म है। इस मामले को लेकर हमारी टीम ने ग्रीन विजल फाउंडेशन के डिप्टी टीम लीड में कोसरकर से वृक्ष संरक्षण के तहत अधिक जानकारी ली है। आइए डालते हैं एक नजर। हम फिलहाल उपस्थित हैं नागपुर स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय के सामने और यहाँ पे जिस तरह जो पेड़ लगे हुए हैं हम देख पा रहे हैं कि G20 को लेकर जो है नागपुर शहर को सजाया जा रहा है। शहर की दीवारें हो, शहर के पेड़ हो, हर तरफ जो है सजावट हो रही है, डिवाइडर पर सजावट की जा रही है, पेड़ों पर जो है लाइटिंग और लाइट्स लगाए गए हैं। आप देख पा रहे हो कि हर जगह जो है नागपुर शहर की जो सड़कें जो है रात में चकाचौंध करने वाली रोशनी जो होती है इन रास्तों पर होती है। अगर रात को अगर आप इस रास्ते पे आते हो तो आपको लगेगा नहीं कि हम भारत की किसी एक सिटी में हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। जिस तरह से सजाया गया है G20 के लिए, जो तामझाम किया जा रहा है, आप देख पा रहे हो कि झाड़ों पर जिस तरह से पेड़ों पर जो लाइटिंग लगाई गई है, वो लाइटिंग के लिए पेड़ों पर कई कीले ठोके गए हैं। मैं बता रही हूँ, आप देख पा रहे हो हमारे स्क्रीन पे कि किस तरह से कई कील एक झाड़ पर ठोके गए, ऐसे कई झाड़ों पर ऐसे कीले ठोके गई है लाइटिंग और लाइट्स लगाने के लिए। ये कहाँ तक सही है, जो हमारे पेड़ है उसके लिए ये कितना घातक है, ये भी हम जानेंगे। हम तो हमारे साथ है ग्रीन विजल फाउंडेशन के मेहुल जी, इनसे हम जानेंगे। सर, जिस तरह से G20 को लेकर हमारी यहाँ तैयारियाँ शुरू है वो तो बहुत ही अच्छी खासी है, लेकिन जो ये कील जो है झाड़ों पर ठोके गए हैं, ये कहाँ तक सही है, क्या बताओगे? सर्वप्रथम मैं तो नागपुर महानगर पालिका का धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये इतना सौंदर्यीकरण किया जा रहा है हमारे शहर में, उसके लिए मैं नागपुर महानगर पालिका का धन्यवाद करता हूँ। परंतु इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे ये पेड़ों पर लाइटें लगाई जा रही है, इन लाइटों को लगाने में काफ़ी ज़्यादा प्रमाण में कीलों को पेड़ों पे ठोका जा रहा है। ये कीलों के कारण क्या हो रहा है कि हमारे पेड़ के अंदर एक कैम्बियम होता है जो आगे जाके साइलम और फ्लोएम में कन्वर्ट होता है। ये जो साइलम एंड फ्लोएम है, ये हमारे पेड़ के विभिन्न हिस्सों में खाना और पानी यानी न्यूट्रिएंट्स और पानी पहुँचाते हैं और ये साइलम और फ्लोएम जो डैमेज हो रहा है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि लोगों से ये खिले जो डैमेज हो रहा है, इसके कारण हमारे पेड़ों की सेहत काफ़ी ख़राब हो रही है। और साथ ही में ये जो लाइटें लगाई जा रही है, इसमें पेड़ों की जो बायोलॉजिकल साइकिल है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। और साथ ही में ये जो हमारे पेड़ों पर रहने वाले पशु पक्षी है, इनको एक्चुअली जब पता ही नहीं चल रहा है कि ये जब लाइटें चलती हैं तो ये दिन है या रात है, इसके कारण उनके भी सेहत पर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। और जब हम कीले किसी भी पेड़ पे ठोकते हैं तो उसमें एक वुंड तैयार होता है, एक घाव तैयार होता है। इस वुंड में काफ़ी ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। इसके कारण पेड़ की ग्रोथ रुक जाती है, पेड़ को खतरा होता है, उनकी सेहत ख़राब हो सकती है पेड़ों की। और साथ ही साथ जब भी ये पेड़ के ऊपर से ये लाइटें उतारी जाए, मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि उस समय उन लाइटों के साथ साथ इन किलों को भी निकाला जाए, जिससे कि हमारे पेड़ों को बचाया जा सके, क्योंकि लाइटों की कीमत है और किलों की कीमत नहीं होती है। तो ऐसा ना हो कि हम लाइटें निकाल के लेके चले जाएं और किलों को वैसे ही पेड़ में ठोक के रखें। जिस तरह से आपने बताया कि कील जो है लाइट निकालने के बाद निकाले जाए, लेकिन जो घाव अभी हुए हैं वो क्या दुरुस्त हो सकते हैं? जैसे हमारे शरीर पर अगर घाव होता है तो हम डॉक्टर के पास जाकर वो घाव का इलाज कराते हैं, तो इन पेड़ों पे अब जो ये घाव बन चुके हैं, इसका इलाज क्या NMC द्वारा होना पॉसिबल है? देखिए, ये जो घाव हो चुके हैं ऑलरेडी, इनको तो वो तो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू पेड़ अपने को खुद से रिपेयर तो करेंगे, परंतु इसमें जो एक संभावना है कि फंगल इन्फेक्शन होगा और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। अगर किसी पेड़ में ये फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होकर अगर कोई घाव बड़ा हो जाता है और उसमें सड़ने लगता है, तो ये पेड़ के खात्मे का एक कारण बन सकता है ये।
जिस तरह से हमने अभी अच्छी जानकारी ली है कि जो कीले ठोके गए हैं पेड़ों पे, ये तो ठोके गए हैं, अब घाव तो बन चुके हैं, लेकिन एनएमसी की ओर से आने वाले दिनों में क्या प्रिकॉशंस ली जाती है, क्योंकि इससे पहले खुद एनएमसी द्वारा जो है ऐसे कील ठोके गए लोगों पर कार्रवाई हुई थी, जिन्होंने झाड़ जो पेड़ों पर जो है कील ठोके थे, लेकिन अब खुद एनएमसी द्वारा ये काम किया जा रहा है, तो क्या मतलब इसका जिम्मेदार कौन है और आगे इन पेड़ों की सेहत के लिए क्या प्रशासन द्वारा कदम उठाया जाएगा, ये अब देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।